सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जीवं जीवं दव्यं जिनवरवसहेन जेन नित्यं देविन्द्रविन्दवन्दं वन्देऽहं सर्वदा शिरसा। नैमिचंद्र सिद्धांति देव मुनिराज द्वारा विरचित द्रव्य संग्रह। बहन जी के इधर बिठाने के लिए इधर आ जाइए। कल विभिन्न दर्शनों की बात हो रही थी। पहली गाथा में ही इसकी टीका लिखने वाले ब्रह्मदेव सूरी, उन्होंने कहा अर्थ करने की 5 विधियां हैं। कोई भी अर्थ किया जाता है तो 5 प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले शब्दार्थ, शब्दार्थ के बाद नयार्थ, फिर आगमार्थ, फिर तीसरा है, चौथा है मतार्थ, और फिर 5वां भावार्थ। शब्दार्थ जो हमने पढ़ा, उन शब्दों में जो कठिन हो, समझ में नहीं आ रहे हो, उनका अर्थ समझना, शब्दार्थ। नयार्थ, ये बात कौन से नए से, कौन से अपेक्षा से चल रही है, वह नयार्थ। आगमार्थ, ये बात आप कह रहे हो आपकी ही है या आगम की है, आगम में कहीं और भी आती है उसके संदर्भ में आगम का उल्लेख प्रमाण देना, वह आगमार्थ। और फिर चौथे नंबर पर आता है मतार्थ। ये जो आपने बात कही, ये कौन से मत के निराकरण के लिए हैं, ये मतार्थ। अभी चूंकि अपन सामान्य गाथा और अर्थ इतना ही देख रहे हैं, इसलिए अपना अभी समझ लीजिए शब्दार्थ चल रहा है। और नैमिचंद्र सिद्धांति देव मुनिराज ने स्वयं ही नयों का उल्लेख कर दिया है, इसलिए कौन से नई की बात है, ये नई की बात भी उसके साथ साथ चलती है। और बीच बीच में कोई विशेष बात होती है तो उससे संदर्भ में ये बात तत्वार सूत्र में भी लिखी है, तो अन्यत्र आगम ग्रंथों में कहाँ आती, इसकी भी चर्चा करते हैं। मतार्थ की चर्चा विशेष तौर से अपन नहीं करते हैं। पहली गाथा की आप पूरी वृत्ति पहली नहीं, जीवो उवो गमो की बात कर रहे थे ना, यदि वो आप पढ़ेंगे तो उसमें हर एक का दिया है, जीव क्यों कहा, उपयोग में क्यों कहा, मैं किसके मत के लिए, एक एक का दिया। और फिर जब आगे चल करके वो जीव कहा था और जीव का वर्णन करने वाली आगे गाथा आई, उसकी टीका में फिर लिखा इस मत के इस प्रकार इस मत का निराकरण हुआ। जीव का कहा, उन्हें चारवाक मत के लिए लिखा है, चारवाक तो जीव मानता ही नहीं है, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुता, वो तो पंचभूत इकट्ठे हुए, बस इकट्ठे हुए, वो जो इकट्ठे हुए हैं बस वही जीव है, अलग से कुछ नहीं है, माने देह हुआ। और वो देह भस्मीभूत, अन्य लोग जैसे पंच तत्व में विलीन हो गया कहते हैं, खत्म हो गया, ऐसा जीव का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं मानते, तो उनके लिए कहीं जीव, जीव है सबसे पहले, जीव जीव नाम का एक स्वतंत्र पदार्थ, स्वतंत्र द्रव्य है, इस बात की सिद्धि की। इस तरह वो मतों की चर्चा टीका सहित पढ़ेंगे तो उसमें विशेष रूप से आती है। वैसे भी कोई भी बात ये कही जाती है उसमें सहज ही किसी न किसी का निराकरण होता है,
अभी मैं इतना ही कहूँ ना, किसी भी ये विद्यार्थी ये कक्षा में बहुत अच्छा है, इसका अर्थ क्या है? ये विद्यार्थी बहुत अच्छा है, इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ है कि बाकी के विद्यार्थी उतने अच्छे नहीं हैं, ये बात अपने आप निकल कर आती है। इस क्लास में ये इतने विद्यार्थी थोड़ी पढ़ाई नहीं करते हैं, ये विद्यार्थी थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं, इसका अर्थ बाकी के विद्यार्थी देते हैं, वो ऐसा कहने में वो अपने आप ही निषेध या अस्ति होती है, वो किसी न किसी का निराकरण करने के। ये वर्णन क्यों किया आपने जीव द्रव्य का, किसी का भी, ये छवों द्रव्यों का, ये छह द्रव्य के लक्षण स्वरूप क्यों कह रहे हैं आप? इसलिए कह रहे हैं कि इनका स्वरूप नहीं समझते। अभी अपन कौन से द्रव्य को समझने वाले हैं आगे? आकाश द्रव्य, बताइए क्या है? दुनिया में जाकर के किसी से भी पूछो क्या है आकाश द्रव्य, आकाश नहीं जानते हो? ये ना ऊपर दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है बस, यही आकाश है। सब जगत इसको ही आकाश समझता है, तो वो आकाश द्रव्य का सही स्वरूप क्या, वो उनकी समझ लीजिए मान्यता का निराकरण। इस तरह से जो बात कही जाती है किसी न किसी विपरीत मान्यता के निराकरण के लिए कही जाती है, और विपरीत मान्यता वही मत है, किसी न किसी की मान्यता वो उसका मत है, उसका निराकरण उसके माध्यम से होता है। अजीव द्रव्यों की चर्चा में तीन द्रव्यों की चर्चा हो गई अपनी, कौन कौन से हो गए? उद्गल, धर्म, अधर्म। अब कौन कौन से रह गए? आकाश और काल, उनकी चर्चा करते हैं। आज दो द्रव्यों की चर्चा पूरी करेंगे। ये सब चर्चा सुन चुके हैं इसलिए विस्तार की जरूरत नहीं होगी, गाथार्थ की ही जरूरत है सिर्फ। अवगा सदान जोगम जीवा दीनम वियान आयासम जैनम लोगागासम अल्लोगागासमिति दुविहम। कहीं कहीं अपने को गाथा बोलने में अंतिम चौथा चरण उसमें थोड़ा खींच कर बोलते हैं, लेकिन कहीं ह्रस्व अक्षर हो तो उस पर नहीं खींचना चाहिए, शॉर्ट में उसको लघु ह्रस्व उच्चारण करते हुए ही पूरा करना चाहिए। गमन सहयारी कौन है? गमन सहयारी कौन? और ठान सहयारी अधर्म द्रव्य। लेकिन उसके पहले लिखा पुद्गल जीवाण, क्या मतलब है? पुद्गल और जीव द्रव्यों को गमन सहयारी धर्म द्रव्य, पुद्गल जीवाण ठान सहयारी अधर्म द्रव्य। अब आकाश द्रव्य क्या है? अवकाश दान जोगम, अवकाश दान देना, अवकाश देने के योग्य जो है, माने अवकाश देता है, स्थान देता है। अवकाश, अवकाश माने छुट्टी नहीं, अवकाश या स्थान। अवगाह, अवगाह शब्द अवकाश बोलते हैं, अवगाह अवगाहना, स्थान देता है, रहने के लिए स्थान देता है। किन्हें देता है? जीवादीनम, तो जीवादी कह रहे हैं, तो आदि में क्या लेना, तो सब सभी द्रव्य आएंगे। वहाँ तो लिखा था पुग्गल जीवाण, क्योंकि गमन और गमन पूर्वक स्थिर होना, ठहरना, ये जीव और पुद्गल ही करते हैं, इसलिए वहाँ जीव पुग्गल जीवाण लिखा। लेकिन ठहरना तो सब द्रव्यों को है, स्थान रहना सबको है, इस विश्व में ही रहना है, इसलिए जीवादीनम, जीवादि समस्त द्रव्यों को जो अवगाह देता है, वियाण आयासम, आयासम वियाण, उसे आकाश जानो। वो जो स्थान देने वाला है वह आकाश द्रव्य है। आकाश द्रव्य को कौन स्थान देता है?
आकाश द्रव्य को कौन स्थान देता है? स्वयं देता है। कल्पना करो यदि कदाचित, कल्पना करो, कल्पना के लिए तो कोई दिक्कत लगता नहीं है, कोई पैसा भी नहीं लगता है। कल्पना करो आकाश को भी कहीं हमको स्थान देना, कहीं रखना है, ठहराना है, रहने के लिए जगह देना है, कौन सा द्रव्य दे सकेगा, कौन सा द्रव्य दे सकेगा? दूसरा, कल्पना करो काम बदल देते ना कभी कभी, बैंकों में चेंज होता रहता है, कैशियर बैठा है उसको जाकर के टेलर जो चेक करने वाला है उसमें बैठना पड़ता है, ऐसे सबके, तीसरे को कोई अपने लिखित लिखा पढ़ी करने वाले पे बैठना पड़ता है, कैशियर बैठा हुआ एक ही जगह नहीं बैठेगा, बदलते रहते काम उनके आपस में, ऐसे द्रव्यों में बदल दिए तो चलो सबको जगह देने का कार्य किसी और द्रव्य को दिया जाए, कौन सा द्रव्य कर सकेगा? सौंप देवे किसी और को, कौन से द्रव्य को दे सकते हैं? दे दो किसी उपद्गल को दे दो, तो सबको जगह दे सकेगा? क्यों नहीं दे सकेगा? सबको जगह देने का काम वही कर सकेगा जिसके पास में जगह होगी। तो जगह तो सभी अपने आप में, सभी परमाणु की अवगाहना शक्ति बताई थी, परमाणु की अवगाहना शक्ति, अवगाहन परिणाम और गति परिणाम दोनों की चर्चा थी। गति परिणाम के लिए कहा था एक समय में 14 राजू पूरे लोक का गमन करता है, और अवगाहन के लिए कहा था एक परमाणु में अनंत परमाणु, एक ही परमाणु में सूक्ष्म अवगाहना शक्ति इतनी सूक्ष्म है उसकी, एक में ही अनंत परमाणु रह सकते हैं, एक ही परमाणु में दूसरे अनंत परमाणु आकर के रह सकते हैं, वो है ना अवगाहना उसकी, ठीक है, लेकिन बाकी दूसरा समझ लो आकाश द्रव्य, लो आकाश को ठहराना है, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य, कहते कोई भी द्रव्य होगा, आकाश इतना बड़ा है कि वह दूसरे में रहेगा कैसे, उसको रहने के लिए उतनी बड़ी जगह चाहिए, और उतनी बड़ी जगह और किसी के पास नहीं है, इसलिए बस आकाश रहेगा तो आकाश में रह सकेगा, क्योंकि वो उतना बड़ा और उसकी खुद की जगह तो उसमें रह सकता है, बाकी किसी में और में नहीं रह सकता। समय सार के संवर अधिकार की तीन गाथाएं जो प्रारंभ की है ना, उपयोग में उपयोग है, उपयोग नहीं क्रोधादि में, फिर नो कर्म में नहीं, कर्म में नहीं, तो उपयोग उपयोग में है। उसकी टीका में अमृतचंद्र आचार्य ने कहा कि उपयोग माने ज्ञान, ज्ञान दर्शन ज्ञान, तो ये वो ज्ञान ज्ञान में ही क्यों है और किसी में क्यों नहीं हो सकता, उसके लिए उदाहरण दिया। एक आकाश द्रव्य को चित्त में लेकर के विचार करो, ये आकाश द्रव्य और किसी में रह सकता है क्या, इसे और किसी में ठहर सकता है क्या? कि नहीं ठहर सकता, कि क्योंकि उसकी अवगाहना इतनी बड़ी है, उसका आधार कोई और दूसरा द्रव्य नहीं हो सकता, तो फिर कहाँ रहेगा? फिर यही कहना पड़ेगा कि आकाश आकाश में ही रहता है, आकाश आकाश में ही है। ऐसा ही कहते ज्ञान को दृष्टि में लेकर के विचार करो, ज्ञान चैतन्य रूप है, जानन रूप है, इसका आधार क्या होगा, कहाँ रह सकता है? शरीर रूप नो कर्म जड़ है, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म जड़ है, और रागादि विकार रूप उसे भी विवक्षा से अचेतन कह दिया है, वे चैतन्य का अनुसरण नहीं करते हैं रागादि, बल्कि चैतन्य का तिरस्कार करके उत्पन्न होते हैं, यदि जब भी विरुद्ध भाव है उनमें ज्ञान कैसे रह सकेगा, तो कहाँ रहेगा? तो चैतन्य रूप ज्ञान चैतन्य रूप में रह सकता है, इसलिए ज्ञान, इसलिए ज्ञान में ही रह सकता है और किसी में नहीं रह सकता, इसलिए ज्ञान का आधार वो ज्ञान ही है। ये दृष्टांत उल्टा हो गया, ये आकाश को दृष्टांत बनाया है, अपन ने उस दार्ष्टांत को दृष्टांत बना दिया, यहाँ सिद्धांत को।
सब जीवों को जगह देने के लिए कितना उदार है आकाश द्रव्य। मैं तो कभी कभी कहता हूँ छह द्रव्यों से ये लोक में वो चलता है ना, मैंने एक साथ रहना, सबको एक साथ रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। इसको क्या कहते हैं, सहिष्णुता, एक दूसरे के साथ रहना, एक साथ बिना लड़ाई झगड़ा किए सहवस्थान। छह द्रव्यों से सीखना चाहिए, क्यों? क्योंकि छह द्रव्य कोई एक दूसरे को मना नहीं करता। प्रवचन सार की चर्चा अभी करते करते आपने सुनी होगी ध्यान से, कहीं पर भी एक पॉइंट पॉइंट आउट करो, कोई एक जगह कहीं पर भी किसी जगह भी, वहाँ क्या मिलेंगे आपको, क्या नहीं मिलेगा, छहों द्रव्य मिलेंगे, सब द्रव्य वहाँ होंगे। क्यों है सभी द्रव्य? क्योंकि सब ने अपने में एक दूसरे को रहने को जगह दे दी है, कोई किसी को मना नहीं करता है, कोई आ जाओ, सब बिल्कुल। छहों द्रव्य दिगंबर मुनिराज जैसे वीतराग है, दिगंबर मुनिराज जैसे वीतराग, छहों द्रव्य। क्यों दिगंबर मुनिराज जैसे वीतराग? क्यों? क्योंकि दिगंबर मुनि जहाँ रहते हैं वहाँ किवाड़ नहीं होते, दरवाजा नहीं होता है कहीं पर भी, और कदाचित दरवाजा होवे तो उसमें कुंडी नहीं लगी होती है, चटकनी लगी नहीं होती है, और कदाचित चटकनी लगी हुई हो तो मुनिराज वो दरवाजा अपने हाथ से बंद नहीं कर सकते, हवा से बंद हो जाए तो उस पर चटकनी नहीं चढ़ा सकते। तो क्या हो, क्या मतलब, इसका मतलब खुला है, तो खुला है तो क्या होगी, कोई आ जाओ, तो कोई आ जाओ मैंने, कोई मनुष्य आ जाए ना, अरे मनुष्य क्यों, कोई पशु आ जाए, पक्षी आ जाए, कोई आ जाए, सबके लिए खुला है, किसी के लिए कोई मनाही नहीं है। कोई अच्छा व्यक्ति आ जाए तो राग करते होंगे, कोई बुरा व्यक्ति आ जाए तो द्वेष करते होंगे, अच्छे व्यक्तियों को प्रवेश है, बुरे व्यक्तियों को प्रवेश नहीं है, ये कोई आ जाए, सबके लिए जैसे खुला, ऐसे छहों द्रव्य अपने आप में सबको एक दूसरे को प्रवेश देते हैं, कोई किसी को मना नहीं करता है, एक दूसरे में प्रवेश करके रहते हैं। भले ही प्रवेश करके एक दूसरे में रहते हैं, लेकिन धर्म द्रव्य में अधर्म द्रव्य रहने चला गया, और धर्म कल्पना कर रहे हैं सभी, तो सब अनादि अनंत, किन्हू न करो न धरे को, षड द्रव्य मई न हरे को, सब अनादिकाल से अनंत काल व्यवस्थित है, वस्तु व्यवस्था जो है उसे हम समझ रहे हैं, सिर्फ अधर्म द्रव्य पहले से था, धर्म द्रव्य चला गया, और उसने कहा मुझे भी रहना है, तो क्या कहेगा अधर्म द्रव्य, आओ रहो। तो धर्म द्रव्य पूछता है तुम कहाँ रहते हो, धर्म द्रव्य ने पूछा तुम कहाँ रहते हो, तो अधर्म द्रव्य क्या कहेगा, कहाँ रहते हो, कहाँ रहता हूँ मैं, कहाँ रहता हूँ मैं, आकाश में रहता हूँ, आकाश की जगह मैं आकाश में रहता हूँ, तो तुम आकाश में रहते हो, मैं भी आकाश में रहूँगा कि रहो आकाश में, नहीं तुम जिस जगह रह रहे हो उसी जगह रहूँगा कि रहो। तो अधर्म द्रव्य में प्रवेश करके, अधर्म द्रव्य जैसे आकाश में है ऐसे धर्म द्रव्य भी आकाश में है, ऐसे छहों द्रव्य आकाश में रहते हैं, चूँकि आकाश स्वयं है इसलिए कहेंगे बाकी पाँच द्रव्य। तो जीव आदि पांच द्रव्यों को जो रहने का स्थान देता है, अवकाश दान योग्य है, वियाण आयासम, उसे आकाश जानो। जैनम, जैनम क्या है, ये कह रहे जैनम, और जैनम का अर्थ है ये जैन आकाश है, ये जैन आकाश है, ऐसा होता है ना, अभी बहुत जगहों पर नई नई कॉलोनी नया बन जाता है ना, तो वहाँ पर वो कॉलोनी वाले मंदिरों के लिए अलग जगह दे देते हैं, एक साथ सबके लिए पार्क भी छोड़ दिया,
पार्क के साथ साथ में मंदिरों के अलग अलग जगह जगह आप सब सब मंदिर बना लो, जिसको जो बनाना है, तो एक साथ ही लगातार बने होते हैं। तो इधर जैन मंदिर बन गया, इधर हिंदुओं का मंदिर बन गया, इधर साईं बाबा का बन गया, और किसी का बन गया। अब ये तो कहेंगे ना हम, ये किसका मंदिर है? ये जैन मंदिर है, मंदिर है ना। ये किसका मंदिर है? ये हिंदुओं का मंदिर है, ये साईं बाबा का, ये फलाने का है, अलग अलग है ना। ऐसे आकाश में भी ढूंढो, ये जैन आकाश है और दूसरा ये हिंदुओं का आकाश है, और ऐसा होगा ना। यहाँ तो कह रहे कि जैनम माने जैनम, ये जैनियों का आकाश है। तो अच्छा, इसका मतलब अकेला जैन ही जैन रहते हैं, अजैन नहीं रह सकते इसमें। तो जैनम का अर्थ क्या किया? जिनेन्द्र भगवान के द्वारा दर्शित, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ, जिनेन्द्र भगवान ने जो स्वरूप कहा आकाश का, वो ये आकाश है। इसमें दो बातें हैं, ऐसा जैनम कहने में दो बातें हैं। तभी अपन कह रहे थे आगमार्थ किया जाता है, ये भी आगमार्थ है एक तरह से। ये जो आप स्वरूप कह रहे हैं नेमीचंद्र सिद्धांति देव मुनिराज, ये स्वरूप आप कहाँ से कह रहे हैं? जैनम माने जैसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा हुआ है हम वैसा ही कह रहे हैं। पीछे भाई साहब को पुस्तक दे दो, आप फिर आपस में देखना जिनके पास अगल बगल में है। शरद ने दे दिया, उसके बगल में तो कोई है नहीं फिर। तो इसलिए जैनम कह करके जैसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा। मंगलाचरण याद है आपको? मंगलाचरण याद है ना, क्या लिखा? जीवम जीवम दव्यम निदिठम, ये जीव अजीव द्रव्यों का भी निर्देश किसने किया है? जिन वर वसहेण जैन, वहाँ तो वहाँ जैन का अर्थ जैन नहीं है, ये न है वहाँ तो जिन ने, वो जिनने के अर्थ में है। तो जिनवर भगवान ने कहा है ना, वही हम पढ़ रहे हैं। ऐसा ये आकाश वहाँ वही कह दिया था वैसे तो, जीव अजीव सब द्रव्यों का स्वरूप जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। यहाँ फिर याद दिला रहे हैं, ये आकाश द्रव्य का स्वरूप जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ है। ठीक है, कहा होगा जिनेन्द्र भगवान ने। और दूसरी तरह से कहते हैं, आपकी माने उनकी क्यों नहीं माने हम? जिनेन्द्र भगवान ने जैसा कहा वैसा माने, और दूसरों ने कहा वो नहीं माने, क्या नहीं मानना? कि क्यों नहीं मानना? क्योंकि जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, वे भी तो भगवान है। वे भगवान होंगे लेकिन वे वीतरागी सर्वज्ञ नहीं होंगे। नहीं नहीं, वे भी है, हाँ हम मानेंगे उन्हें, लेकिन कब मानेंगे? जब वे वीतरागी सर्वज्ञ हो जाएंगे। यदि वे वीतरागी सर्वज्ञ है, हम सबको भगवान मानने के लिए तैयार है। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, कुछ भी कहो आप, लेकिन शर्त है वीतरागी सर्वज्ञ होना चाहिए, हम उनकी बात भी मानेंगे। हाँ, वीतरागी सर्वज्ञ हो गए वे, फिर क्या मानेंगे ना? बताओ तो वीतरागी सर्वज्ञ होकर के स्वरूप क्या है? जब वीतरागी सर्वज्ञ हो जाएंगे तो उन्हें स्वरूप यही कहना पड़ेगा, कहना पड़ेगा नहीं, पड़ता क्या है, वो यही निकलेगा अपने आप, क्योंकि उनकी वाणी खिरती है, तो कहते थोड़ी सहज खिरती है। समयसार कलश के दूसरे कलश में अनंत धर्मणस तत्वम, तो जिनवानी को नमस्कार किया। पांडे राजमल जी ने टीका में पूछा, ये तो जिनवानी तो जड़ है ना, चाहे ये छपी हुई हो तो जड़ है, और जो साक्षात भगवान के मुख से भी निकल रही हो वाणी, उस समय भी तो भाषा है ना, शब्द पुद्गल की पर्याय है, तो जड़ है, हम तो चेतन हैं, फिर जड़ को नमस्कार क्यों करें? हम चेतन हैं तो जड़ को नमस्कार क्यों करें? तो उन्होंने उत्तर दिया, चूंकि ये वाणी सर्वज्ञानुसारिणी है,
ये सर्वज्ञ का अनुसरण कर रही है, जो भी बात कहती निकलती है उसमें वो सर्वज्ञ का अनुसरण करते हुए निकलती है। जैसे सर्वज्ञ भगवान पूज्य है ऐसे उनकी वाणी पूज्य है, तो सर्वज्ञ का अनुसरण करते हुए इसलिए वो वाणी जो निकलती है जैसा केवल ज्ञान में जानने में आया वैसा सहज आता है, मिलावट नहीं करते उसमें। तो एक तो पूर्ण जानते हैं, दूसरा पूर्ण कवि हम सच भी जानते होंगे ना, तो उसमें मिलावट करते हैं राग द्वेष से, अपने राग द्वेष के कारण कोई ना कोई मिलावट कर देंगे सही जानते हुए। आपस में कोई झगड़ा हो गया और आपके मित्र की गलती हो और आपसे पूछा जाए गलती किसकी थी, तो आप क्या कहोगे? उसकी गलती थी। आपको मालूम है आपके मित्र की गलती थी, आप सच जानते हो लेकिन सच बताओगे नहीं। क्यों नहीं बताओगे? क्योंकि मित्र से आपको राग है इसलिए नहीं बताओगे। और कहीं कोई गलत फंस रहा होगा, फंसाना होगा, तब क्या करो, ये किसने किया, तो जरूर आपको जिससे द्वेष होगा ना, आपको जानते हो उसने नहीं किया है, तब भी इसने किया है, तो क्यों बताया गलत? द्वेष के कारण बताया। माने हम गलत बोलते हैं राग द्वेष, जो गलत बोलता है राग द्वेष के कारण, या तो अज्ञान के कारण बोलता है राग द्वेष के कारण बोलता है। हमारे जैन, या जैन माने जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया जो वचन, या जिनवाणी के लिए जैन शब्द का प्रयोग किया है, जिनवाणी के लिए, वो जिनेंद्र भगवान की वाणी सर्वज्ञ भगवान की और वीतरागी भगवान की है इसलिए यथार्थ है। तो ये आकाश का स्वरूप, बल्कि आकाश का ही नहीं समझना, छहों द्रव्यों का स्वरूप जो कहा गया है वो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया है इसलिए बिल्कुल यथार्थ है। वह आकाश दुवि हम, नीचे की पंक्ति में दुवि हम, दुवि हम माने दो प्रकार का, क्या दो प्रकार है उसके, लोगागासम अलोगागासम इति, लोकाकाश और अलोकाकाश। तो बस सरल चर्चा तो इतनी ही है, बाकी तो इधर उधर की बातें आपको बता दी, अनावश्यक बातें बता दी, निरर्थक बातें बता दी, तो जो आवश्यक थी उसके साथ में वो बातें आपको साथ साथ में बता दी। अवगासदान जोगम जीवादीनं वियान आयासं जैनं लोगागासं अल्लोगागासमिति दुविहम्। नीचे अन्वयार्थ, जीवादि द्रव्यों को अवकाश दान के योग्य, अवकाश दान के योग्य रहने के लिए जगह देने के योग्य जिनेंद्र भगवान के द्वारा दर्शित आकाश द्रव्य जानना चाहिए। यह आकाश द्रव्य लोकाकाश और अलोकाकाश ऐसे दो प्रकार का है, ठीक है। अवगासदान जोगम जीवादीनं वियान आयासम जैनं लोगागासम अल्लोगागासमिति दुविहम्। बोलिए। लोगागासम अल्लोगागासमिति दुविहम्। आकाश वह जीवादि को अवकाश देने योग्य जो, आकाश के दो भेद हैं जो लोक और अलोक है। जो सबसे बीचों बीच छोटा विद्यार्थी बैठा है, क्या नाम क्या है? शुभम। और स्थान? गड़ाकोटा। इसने माइक दिया, चालू करके देना चाहिए ना। अवगासदान जोगम
जीवादीडं वियाण आयासम जे हम लोगागासम अल्लोगागास मिधि दुविहम। चलिए वो आदत में है मिधि दुविहम, कोई बात नहीं है, बोलने के लिए क्षम्य है उतना, ठीक है ना। अच्छा बोला, और ये सबसे छोटा विद्यार्थी लेकिन सबसे ज़्यादा प्रयास करता है। जब आप लोग भी बंद करोगे ना प्रवचन में आना, तब भी प्रवचन में आएगा, आगे बैठेगा बराबर। बड़े बड़े विद्यार्थियों को सबको प्रेरणा लेनी चाहिए उससे। चलिए अब ये इसी तत्काल अगली गाथा, लोकाकाश अलोकाकाश कहा ना, लोकाकाश अलोकाकाश का लक्षण कहते, बहुत सरल गाथा है आगे की। धम्मा धम्मा कालो पुग्गल जीवाय संति जावदिये आया से सो लोगो तत्तो परदो अलोगुत्तो। छह द्रव्य हैं, अब छह द्रव्यों में से बाकी के पांच द्रव्य, तो चौदहवीं गाथा में नाम बता दिए थे पांचों द्रव्यों के, फिर से रिपीट कर रहे हैं। धम्मा धम्मा, धम्मा धम्मा माने अच्छा, धमाधम नहीं हो रहा है, है? कभी कभी आप लोग करते हो ना, तो धम्मा धम्मा, और धमाधम करना है ना, ये धमाधम करना चाहिए, धमाधम भी करो। एक प्रसंग याद आ रहा है, अभी जैसे शिविर लगते हैं ना, तो विद्यार्थी अपने कमरे खाली करके, अभी तो बाहुबली हॉल का कल घर है वहाँ चले जाते हैं, तो पहले बाहुबली हॉल नहीं था, फिर भी शिविर लगते थे तो शिविर कमरे खाली करते थे, तो अभी जो साहित्य रखा जाता है ये तलघर था, है ही तलघर, वन इसमें रहने चाहते थे। अब इसमें नीचे थोड़ा गर्मी लगती थी, तो ऊपर के फैन, जगह इतनी ऊंचाई नहीं है तो ऊपर के फैन लगे नहीं, तो स्टैंड फैन रखा हुआ था। और एक हमारे तमिल के विद्यार्थी धन कुमार, मम्मी जानती होंगी धन कुमार, है ना, ये द्रव्य संग्रह की गाथाएँ याद कर रहे थे, जीवम जीवम दव्यम, और वो फैन चल रहा था और क्या सूजी पता नहीं है, और उंगली डाल दी उसमें, उंगली डाल दी तो कट गई, कट गई तो वो सपने पूछा क्या कर रहे थे, जीवम जीवम दव्यम कर रहा था, क्या जीवम जीवम दव्यम क्या कर, मैं याद कर रहा था, तो याद कर रहे थे तो उंगली क्यों डाली उसमें, तो ये देख रहे थे क्या जीव अजीव अलग अलग हैं कि नहीं है, ये देख रहे थे क्या उसमें, हाँ पहले जीवम जीवम दवम भी करना है तो ऐसे करना चाहिए, इसका अर्थ ये नहीं आप करो ऐसा, मैंने उसने कहा बाद में भी ये याद कर रहा था, उन्हें प्रैक्टिकल भी कर रहे थे क्या साथ साथ में। धम्मा धम्मा कालो, धर्म अधर्म, कालो माने काल, पुग्गल जीवा, पुद्गल और जीव, आगे पीछे क्रम कर दिया गाथा की दृष्टि से, इन अपन समझे तो जीव पुद्गल धर्म अधर्म काल, क्योंकि आकाश की बात करनी ना इसलिए आकाश को छोड़ दिया काल, ये सभी संति जावदिये, जितने में होते हैं, ये किस में जितने में, नीचे से लेना आया से, तो जावदिये आया से, जितने आकाश में ये पांच द्रव्य होते हैं, सो लोगो, वो क्या है, लोकाकाश है, वो लोक कहलाता है, संक्षेप में लोक कहते हैं, और आकाश जोड़ो तो लोकाकाश कहते हैं, तत्तो परदो, और उससे परे उससे आगे वो सब क्या है, अलोग उत्तो, अलोग उत्तो, उत्तो माने कहा गया, उक्तहा, अलोक उक्तहा माने बाकी आगे के सबको अलोक उक्त माने कहा गया है, तो ये लोक है और उसके बाहर सभी अलोक है, ये लोकाकाश है और उसके बाहर सभी अलोकाकाश है। धम्मा धम्मा कालो पुग्गल जीवाय संति जावदिये आया से सो लोगो तत्तो परदो अलोगुत्तो।
इसमें पांच द्रव्य के रहने की बात कर रहे हैं, लेकिन छड़ाला में तो ऐसा लिखा कि नहु न करो न धरे को षट द्रव्य मई न हरे को सो लोक। तो लोक को एक षट द्रव्य मई सो लोक, जो षट द्रव्य में है वो लोक है। यहाँ कहते हैं कि पांच द्रव्य जहाँ रहते हैं वो लोक है। तो पांच द्रव्य में हुआ ना, छह द्रव्य कैसे हो गए? तो रहते किस में है? तो आकाश में। तो आकाश में रहते तो आकाश तो खुद है ही ना, तो आकाश कहाँ चला जाएगा? इसलिए आकाश के जितने भाग में पांच द्रव्य रहते हैं तो आकाश स्वयं है ही और बाकी के पांच, इसलिए छह द्रव्य है वहाँ पर। बाकी बाहर में, बाहर में सिर्फ आकाश आकाश है, वो अलोक आकाश कहलाएगा। जितने आकाश में धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य और पुद्गल द्रव्य तथा जीव द्रव्य रह रहे हैं, हैं सदैव हैं, ऐसा भी नहीं समझ लेना। जैसे आपके घर में खाली डिब्बा होता है, फिर मम्मी लड्डू बनाती है, फिर डिब्बे में रखती है, ऐसा आकाश खाली था, फिर एक 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 द्रव्य बना करके उसमें रखते गए, ऐसा नहीं है। सब अनादि अनंत है, फिर भी किसमें कौन किसका क्या लक्षण, इसकी अपेक्षा से आकाश स्थान देने वाला, इसलिए बाकी के द्रव्य उसमें रहते हैं, ऐसा व्यवहार करने में आएगा। तो जहाँ तक रहते हैं वह लोकाकाश कहलाता है, उस लोकाकाश से परे माने बाहर अलोकाकाश कहलाता है। गाथा बोलते पुनः, धम्मा धम्मा कालो पुग्गल जीवाय संति जावदिये आया से सो लोगो तत्तो पर दो अलोगुत्तो। बोलिए गाथा पद्यानुवाद। धम्मा कालो पुग्गल जीवाय संति जावदिये आया से सो लोगो तत्तो पर दो अलोगुत्तो। काल धर्म धर्म जिये पुद्गल रहे जिस क्षेत्र में वह क्षेत्र ही बस लोक है, अवशेष क्षेत्र अलोक है। बोलिए जिनको अच्छा बोलना आता है उनसे नहीं बुलवाना चाहिए, फिर गलती निकालने का अवसर ही नहीं मिलता है। चलिए अच्छा बोला। काल द्रव्य आपको बहुत बार ऐसा हो जाता है कि एक विषय बहुत रिपीट होता है, ये अभी प्रवचन सार में आप सुन चुके हैं, तत्वार सूत्र में पढ़ लिया, अभी फिर द्रव्य संग्रह में पढ़ लिए हैं, तब आपको छह द्रव्य, बल्कि उससे पहले भागवत पाठमाला में पढ़ चुके हो द्रव्य नामक पाठ में, अब ये विषय बिल्कुल पक्का होना चाहिए। छह द्रव्यों का स्वरूप क्या है, कैसा है, ये बहुत बिल्कुल कहीं आए किसी ग्रंथ में आए, थोड़ा बहुत अंतर से शब्दों का अंतर मिलेगा या कुछ थोड़ा विस्तार। पुद्गल द्रव्य की चर्चा तो बहुत अधिक है विस्तार से, बाकी मूल छह द्रव्यों के स्वरूप की चर्चा यही मिलेगी, इसलिए ध्यान रखना हमेशा। काल द्रव्य का लक्षण व भेद, दव्य परिवट्ट रूवो जो सो कालो हवे व्यवहारो परिणामादि लखो वट्टन लखो य पर मठो। काल द्रव्य के स्वरूप के साथ करे भेद बता रहे हैं, क्या भेद है? चला व्यवहारो और परमठो, व्यवहार काल और परमार्थ वाले निश्चय काल। व्यवहार काल क्या है?
तव्य परिवर्त रूवो जोसो कालो हवेगी व्यवहारो, जो द्रव्य परिवर्तन रूप है कि द्रव्यों के परिवर्तन से जो जाना जाता है, द्रव्यों के परिवर्तन रूप, और कैसे समझे उससे कि परिणामादि लखो, वो परिणमन आदि लक्षणों से। ये इसमें कितना समय लगा, ये जो दूसरे से इसको नापा जाता है वह कहलाएगा व्यवहार से काल, और उसमें से फिर ये ना घड़ी घंटा मिनट इत्यादि जितने ये व्यवहार हम करते हैं, ये व्यवहार से हम इन जो कालों का विभाजन किया है ये किसके आधार से हुए, ये किसी न किसी द्रव्यों के परिवर्तन के आधार से हमने उसे नापा। अभी तो ये घड़ियाँ चल गई, तो घड़ी में भी ये सुई के परिवर्तन के आधार से हम समझ लेते, तो उसका परिणमन लक्षण और उससे हम काल का निर्धारण करते हैं कि ये व्यवहार काल है। पहले जमाने में क्या होता था, या तो वो मिट्टी के एक उसमें से नीचे चला आता था ना, और वो कितनी देर में आता है वो एक घड़ी उसके हिसाब से उसे निश्चित करके रखते थे, और पलट के रखा वो घड़ी कहलाती थी। पानी भी टपकता था, पानी उतना पूरा निकल जाए समझ ले एक घड़ी हो गई। अभी भी केसरिया जी ऋषभ देव है ना, वहाँ श्वेतांबर दिगंबर अपना झगड़ा चलता रहता है, तो वहाँ मेरे ख्याल से तीन तीन घंटे का है, कितने घंटे का है, 3 घंटे दिगंबर 3 घंटे श्वेतांबर, तो वहाँ जो समय इस घड़ी से नहीं चलता है, वहाँ अभी भी एक वो पानी वाली घड़ी है, वो एक की ड्यूटी यही रहती है, वो भरता है उसे रखता है वो टपकता जाता है, एक घड़ी हो गई फिर भर के फिर रखेगा, भरने का उस पलटना पड़ता है, पलटते हैं तो टपकता है, फिर 2 घड़ी हो गई 3 घड़ी हो गई, और उसी से नाप करके आपका समय हो गया पूरा, तो आपका समय हो गया फिर क्या करेंगे। श्वेतांबर भाई आते हैं तो आँख लगा देते हैं, आगे जो कुछ भी थोड़ा बहुत श्रृंगार करना होता है करते हैं, फिर दिगंबर आते हैं तो वो पहले ही हटा करके ले जाते हैं श्वेतांबर भाई अपना, फिर दिगंबर अवस्था में आती है, लेकिन वो वहाँ जो समय करते हैं वो उससे अभी भी नापते रहते हैं, वो पद्धति अभी भी वहाँ चला रखी है। यहाँ जंतर मंतर है ना, तो जंतर मंतर में जाओगे वह 2 घड़ियाँ हैं बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो वो धूप के हिसाब से, एक तो है वो ऐसा जो बड़ा बना हुआ है हमेशा चित्रों में भी दिखाते हैं, एक तो वो है और एक नीचे गड्ढे में है, तो उसमें भी एक वो लगा हुआ है डंडा, और उसकी छाया जहाँ पड़ती है वो उसके हिसाब से आपको बता देते हैं, फिर वो स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से दिल्ली से जोड़ना पड़ता है उसे, उसके हिसाब से कितने मिनट उसमें जोड़ो प्लस माइनस करो वो उसके हिसाब से बता देते हैं। तो इनके परिवर्तन के अनुसार जो नापा गया जो जाना गया वो व्यवहार काल है, और ये परिणमन उसका सभी। लेकिन वट्टन लखो य परमठो वर्तना, ये जिसका लक्षण है वर्तना हेतुत्व, अब क्या ये सब नहीं हो तब भी प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय, ये वर्तना निरंतर चल रही है, और ये जो वर्तना हो रही है इस वर्तना में जो हेतु बन रहा है वह काल द्रव्य है, वह मुख्य काल द्रव्य है, मूल काल द्रव्य है, उसको कहा कि निश्चय काल, वो काल द्रव्य वर्तना हेतुत्व वर्तना लक्षण वाला वो असली काल द्रव्य है, और बाकी हम घड़ी घंटा इत्यादि जो इसके भेद समझते हैं वो क्या है व्यवहार काल है। दव्व परिवट्टरुवो जोसो कालो हवे व्यवहारो परिणामादि लखो वट्टन लखो य परमठो। जो द्रव्य परिवर्तन में मिनट घंटा दिन महीना इत्यादि रूप है और परिणमन आदि लक्षणों से जाना जा सकता है वह व्यवहार काल है, और वर्तना लक्षण वाला परमार्थ काल है।
दव्य परिवट्ट रूओं जोसो कालो हवे व्यवहारो परिणामादि लखो वट्टण लखो य पर मठो। बोलिए परिवर्तन रूप परिणामादि लक्षित काल जो व्यवहार वह परमार्थ तो बस वर्तनामय जानिए। एक गाथा और लेते हैं, सरल है, शाम को बुलवाएंगे गाथा किसी से इसमें। हाँ जी हाँ जीव नहीं रह सकते हैं। ये भी प्रेरणा लेनी चाहिए, धर्म धर्म से विरुद्ध अधर्म, सबके लक्षण अलग अलग है ना, इतने विभिन्न। भारत के लिए तो कहते भी ना, भारत की विशेषता, इतनी जाति इतनी भाषा, लेकिन अब झगड़ने लग गए हैं। लेकिन छह द्रव्य परस्पर विरुद्ध लक्षणों वाले विविध प्रकार के, और फिर भी एक साथ रहते हैं बिना किसी, यदि झगड़ा करते रहते तो विश्व कब का नष्ट हो गया होता, लेकिन बराबर अनादि काल से चल रहा, अनंत काल तक बराबर रहेगा। काल द्रव्य निश्चय काल की बात करते हैं, जो निश्चय काल रूप द्रव्य है वो असली काल द्रव्य है, कहाँ रहता है, कैसे रहता है और कितनी संख्या में है। अब ये बाद में कर लेना, साथ में रहेगा तुम्हारे, हाँ नहीं आपस में रहोगे ना साथ में ही, तो बाद में बातें कर लेना। चलो कहाँ कैसे और कितने, लोयायास पदे से इक्के के जेठिया हुई के का रयणानं राशि इव ते कालाणु असंख दौ वाणी। लोयायास प्रदेशे, लोकाकाश के प्रदेश, एक एक प्रदेश पर, वो प्रदेश का नाप अभी फिर आगे बताएंगे, प्रदेश का नाप आगे बताने वाले हैं। एक ये 26वें में है शायद, ये 27वें में आएगा। एक परमाणु आकाश के जितने क्षेत्र को घेरता है वो उतना सा सबसे छोटा वो प्रदेश, एक एक प्रदेश पर, लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक का ठिया एक एक स्थित है, माने लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कौन की कालाणु, परमाणु पुद्गल का तो परमाणु कहलाता है, और काल द्रव्य को भी सबसे छोटा होने के कारण से अणु कहते हैं, सबसे छोटा इसलिए कालाणु, बाकी उसे पुद्गल के साथ कोई संबंध नहीं है उसका, अणु कहने से उसके साथ जोड़ना, सिर्फ छोटा होने से समझ लो कालाणु माने काल द्रव्य। एक एक लोकाकाश के प्रदेश पर एक एक काठिया एक एक स्थित है, कि कैसे रेणानम राशि इव, रत्नों की राशि की तरह बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए ऐसे, और है कितने वे ते कालाणु असंख्य दव्वाणी, वो असंख्य द्रव्य हैं, एक 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 काल द्रव्य अलग अलग है और ऐसे असंख्य काल द्रव्य हैं, एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य, ऐसे असंख्य काल द्रव्य। लोयायास पदेशे इक्के के जेठिया हुई के का
रयणानं दासी इव ते कालाणु असंख दौवाणी अन्वयार्थ नीचे एक एक लोकाकाश के प्रदेश पर जो एक एक कालाणु रत्नों की राशि की भांति पृथक पृथक रहते हैं वे कालाणु असंख्य द्रव्य हैं। रत्नों की राशि वगैरह इसलिए प्रयोग किया, मिलते नहीं आपस में, बिल्कुल अलग अलग रहते हैं। एक और विशेषता बताई थी दादा के अभी प्रवचन में, ध्यान से सुना हो, रत्न कैसे लेना। एक तो कंचे गोलियां होती आपकी कांच की, ऐसे नहीं तो रत्न हो सकते हैं, क्योंकि आपको किसी गहनों में लगाना है तो अलग अलग आकार के बना देते हैं, कोई गोल है, कोई कैसा है, कोई किसी आकार का है, ये ऐसे नहीं। ऐसे यदि भरेंगे तो फिर उनमें बीच में गैप रहेगा, तो कैसे लेना, बिल्कुल ऐसे चौकोर लेना, जो षटकोण जो कहा जाता है ना, षटकोण का अर्थ है वह आपका षटकोण नहीं, वो षटकोण नहीं, वो षटकोण का अर्थ है जैसे ये थोड़ा बड़ा कोई लेंगे ना, समझ ले इसके छः कोण हैं, एक ये है, एक नीचे का, दो हो गए, ये दो तीन और चार, मैंने चारों दिशाओं के चार और ऊपर नीचे छः हो गए ना, छः दिशाएं होंगी, ऐसा ये ऐसे छः बनेंगे और ऐसे छः सब जगह खचित है। तो जब ऐसे बने हुए हैं, अब ये सब एक एक साइज के शास्त्र ऐसे एक साथ रखेंगे ना, फिर इधर रखेंगे, इधर रखेंगे, इधर रखेंगे, सब बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और ऐसे जुड़ करके रहेंगे कि फिर बीच में गैप नहीं होगा। फिर आप सोचोगे एक आध किताब और बीच में रखे तो नहीं रख सकेंगे, तो बिल्कुल कोई खाली जगह नहीं रहेगी। तो रत्न ऐसे हैं जो एक दूसरे से ऐसे जुड़ कर रहेंगे, फिर बीच में गैप नहीं रहेगा। यदि हम आठ कालानु काल द्रव्य लें, आठ काल द्रव्य बीच में हैं, इधर 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 सब जगह ऐसे जुड़े हुए हैं, अब अपन सोचे कि एकाध ला करके बीच में और एक काल द्रव्य लगा दे तो नहीं लगेगा, जगह ही नहीं खाली रहेगी। इसलिए बिल्कुल ऐसे रत्नों की राशि की तरह वे काल द्रव्य खचित हैं और है संख्या में कितने असंख्य, कितने असंख्यात कि जितने लोकाकाश के प्रदेश है, क्योंकि एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य हैं, इसलिए असंख्यात काल द्रव्य। और विशेष चर्चा थोड़ी करेंगे, कुछ विद्यार्थी पूछ रहे थे, उसकी बात भी शाम को प्रवचन के समय और करेंगे। लोयायास पदेशे इक्के के जेठिया हुए काम रैणानं राशि इव ते कालाणु असंख दौवाणी। बोलिए। यास पदेशे इक्के के जेठिया हुए के का रैणानं राशि इव ते कालाणु असंख दौवाणी। लो इस लोक के जो एक एक प्रदेश पर रत्न राशि बत जड़े वे असंख्य कालाणु दरम। शाम को ये अधिकार पूरा करेंगे, अजीव द्रव्य वाली चर्चा वाला, पांच है लेकिन उनमें कोई विशेष बात नहीं है, इसलिए पूरा करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी।